जो ये आपके पीछे घर है, तो ये किन का घर है? ये जो अपने रामायण में जो विभीषण बने थे ना, हाँ, विभीषण का रोल किया था जी। वही जी मुकेश भाई रावल का घर है। अच्छा। उस टाइम में जब रामायण हुआ था ना, हाँ रामचंद्र जी भगवान का, तो उस टाइम में जो विभीषण ने काम किया था वही तरह से उसने काम किया है। घर बन रहा था तो उसी घर में रह रहे थे। अच्छा, इसी घर में रह रहे थे? उसी घर में रहते। अच्छा, 4 साल तो रहे वो। अच्छा, और गर्व होता होगा कि? हाँ गर्व, आज भी हम गर्व कर रहे हैं कि मुकेश भाई के बाजू में हम रहते हैं, मुकेश भाई के गांव के हैं हम। अच्छा, हाँ। फाइनली दोस्तों, अभी हम मडोली के अंदर पहुंच चुके हैं। अगर आपने रामानंद सागर वाली रामायण देखी होगी तो उसके अंदर जो विभीषण का रोल करते हैं मुकेश रावल जी, उनके गांव के अंदर आप गांव का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो चलिए चलते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे उस साइड में जो अंकल बैठे हैं, उनसे पूछते हैं उनके घर का एड्रेस, क्योंकि उनका घर इसी गाँव के अंदर है। तो दोस्तों, अभी जो आप पीछे देख रहे हैं अंकल जी, उनके साथ हम जाने वाले हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर पता है कि कहाँ पे उनका घर है और कहाँ पे वो एक्चुअली वो उनके घर में ही रहते हैं। तो अभी अंकल जी के साथ चलते हैं गांव के अंदर और फिर दिखाते हैं उनका। तो दोस्तों, फाइनली हमको घर का एड्रेस पता चल गया है, जो उनका घर है मुकेश रावल जी का, वो घर है। और ये बगल में दुकान है, अंकल जी उनके साथ के मित्र हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनकी दुकान पे वो अक्सर आया करते थे। तो अभी छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं अंकल जी का और पूछते हैं मुकेश रावल जी के बारे में। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रहलाद भाई। प्रहलाद भाई, हाँ। अच्छा, जो मुकेश रावल जी थे उनको आप मित्र थे, उनका बचपन से जानते थे? हाँ, जानते। अच्छा, वो आपकी दुकान वगैरह पे आए कभी? आते थे। अच्छा, जब भी देश में आते थे तो आते थे। अच्छा, उनका मुकेश रावल जी का जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म मुंबई में। मुंबई में हुआ था। और उनके बच्चे बच्चे कितने? मुकेश रावल को 2 बच्ची हैं। 2 बच्ची? 2 लड़की हैं उसको। अच्छा, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन 2 लड़की तो है, मैंने उनको देखा है, वो आई थी लड़कियाँ। अच्छा, सब तो वो लोग आते जाते हैं यहाँ पे, उनका घर कहाँ पे? कभी आते हैं। अच्छा, कभी आ जाते हैं, अभी तो अभी शादी कर लिया होगा, वो टाइम आते थे, अभी तो नहीं। आपको आपको पता है जो रामानंद सागर वाली रामायण है, हाँ, उसके अंदर मुकेश रावल जी जो विभीषण का रोल किया उन्होंने, उनके बारे में आपने रामायण तो देखी होगी ना, तो उनका किरदार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, ये समझो कि रामायण में विभीषण का जो उसने रोल किया, हाँ, तो सचमुच उस टाइम में जब रामायण हुआ था ना, हाँ, रामचंद्र जी भगवान का, तो उस टाइम में जो विभीषण ने काम किया था वही तरह से उसने काम किया है। अच्छा, तो जो सुना है यहाँ पे जो रावण बने थे रामायण के अंदर, वो भी यही कहीं के रहने वाले? नहीं, उनका तो शायद कुकरी करके कोई है। हाँ, अरविंद त्रिवेदी। अरविंद भाई ने रावण का रोल जो किया, हाँ, वो बरोबर अरविंद भाई ने रावण सचमुच रावण का रोल निभाया। अच्छा, हाँ, ऐसा रोल कोई निभाने वाला नहीं है। अच्छा, तो यार फिल्म इंडस्ट्री में थे, गुजराती फिल्म बनाते थे। हमारे यहाँ से बगल में 3-4 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर है, वहाँ उसका घर भी है, उसका रहने वाला है, यहाँ का उसका रिश्तेदार भी है। अच्छा अंकल जी, ये बताइएगा कि उनका जन्म तो मुंबई में हुआ था, उसके बाद वो यहाँ रुके हैं कभी, साल 2 साल 4 साल?
आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, और पढ़ाई वगैरह भी महीना महीना 15 दिन महीना रह के आराम से रहते थे। अच्छा। और आते थे यहाँ, या उसका रिश्तेदार भी थे। हाँ। उनके सिस्टर भी यहाँ थी। अच्छा, तो उनके बारे में कोई और कुछ जानकारी अगर आपको हो, बचपन की बातें या कोई भी ऐसी बता सकते हैं आप, जो आपको याद हो अपने टाइम की, क्योंकि उनका घर पे अभी कोई रहता है कि नहीं रहता है? कोई आता नहीं है खास। अच्छा, घर बंद है उसका। ये आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? मेरी दुकान तो बहुत पुरानी है। अच्छा, बहुत लगभग लगभग समझो कि 1956 से मैं यहाँ। अच्छा। मैं नौकरी करता था। थैंक यू अंकल, जो भी अंकल ने जानकारी दी और काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी जो आप ये गली देख रहे हैं, इस गली से आगे चलेंगे और गली जैसे ही मुड़ती है उसी जगह पे विभीषण जी का घर है, तो वो दिखाएंगे आपको, तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने अंकल जी का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, थोड़ी बहुत जानकारी थी जो उन्होंने हमको दी। और उसके बाद फिर हम चल रहे हैं अब घर के पास। जो घर है वो ये है, आप देख सकते हैं ये घर का पीछे का गेट है, ऐसा अंकल जी ने बताया था। तो अभी हम घर के जो फ्रंट गेट है वहाँ पे चलते हैं। तो पहले चलते हैं बैक कैमरे पे, इधर का नज़ारा दिखाते हैं, बैक कैमरे से घर को पूरा कवरेज करेंगे और उसके बाद जो उनके घर में रहता है उससे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, तो चलिए अभी चलते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये घर का पीछे का नज़ारा है और घर काफ़ी पुराना हो गया है। तो अभी हम चलते हैं सड़क इस साइड इसके फ्रंट में। तो देख सकते हैं ये है उनका घर और ये पूरा उसी में लगे इसमें लगा हुआ है एक और घर, और ये यहाँ पे एक मंदिर है आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलने वाले हैं आगे, क्योंकि गली आगे से मुड़ी हुई है और आगे चल के आपको दिखाते हैं। देख लो वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत गांव है और बहुत ही सुंदर है। सबसे खास बात गांव की यह है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने घर हैं, इतने ज़्यादा पुराने घर, क्योंकि एक एक घर की उम्र जो है कम से कम 100-100 साल से ऊपर है। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, ये इधर देख सकते हैं, और ये सब पुराने घर बने हुए हैं। गली का जैसे थोड़ा आगे आएंगे तो ये है विभीषण जी का घर, जो कि रामानंद सागर की रामायण में लंकेश के सबसे छोटे भाई बनते हैं विभीषण। उनका जो रियल लाइफ में नाम है वो है मुकेश रेवल, वो अभी हमारे बीच नहीं है क्योंकि मुंबई के अंदर उनके साथ ट्रेन हादसा हुआ था। उसका कोई तथ्य अभी नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन उनका घर जो है यही घर है आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलने वाले घर के अंदर और वहाँ से कोई घर के अंदर जो होता है तो उससे बातचीत करते हैं और एक छोटा सा इंटरव्यू उनका लेते हैं, फिर घर की वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे ही घर पहुँचे उसके बाद अंकल से बातचीत की, जो अंकल हैं आप सामने देख रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी की और यहाँ पे चाय देख रखते हैं कब रखा है, चाय वाय पी। उन्होंने बोला कि अभी सुबह सुबह आए हो तो चाय वाय पी लो, उसके बाद में फिर वीडियो बना लेना, कोई बात नहीं है। जो घर है उनका वो यही घर है और इन्हीं के घर के अंदर अंकल जी रहते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद जानकारी लेते हैं अंकल से कि वो कब यहाँ आए थे और कहाँ क्या हुआ, पूरा सीन अंकल ही बताएंगे। तो अभी चलते हैं घर के अंदर। नमस्कार अंकल। नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? गोस्वामी शैलेश गिरी बलवंत गिरी जी। जो ये आपके पीछे घर है तो ये किन का घर है? ये जो अपने रामायण में जो विभीषण बने थे ना, हाँ हाँ, विभीषण का रोल किया था जी, वही जी मुकेश भाई रावल का घर है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें आप रहते हैं? नहीं, ये अभी तो ये खाली ही पड़ा है। हाँ। और उसके भाई का घर में किराए के लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा, किराए के लोग रहते हैं। किराए के लोग। अच्छा, तो आप कभी उनसे मिले हैं? वो यहाँ हम बहुत टाइम मिलते थे पहले, वो जिंदा थे तभी तो आते थे यहाँ। हाँ हाँ, हर शिवरात्रि पे आते थे लोग। अच्छा अच्छा। और शिवरात्रि पे शंकर भगवान की पूजा करते थे पूरे नाइट। अच्छा। हाँ, उस टाइम में वो आते, देख पा रहे की पूजा में बैठते थे। हाँ। हम लोग को मिलते थे। हाँ। हम लोग
मजाक मस्ती करते थे। अच्छा अच्छा बहुत मजा आता था। हाँ, लेकिन वो तो भगवान को प्यारे हो गए। अच्छा तो मतलब भोले का भक्त थे क्या वो? वो एक नंबर के भक्त थे भोले का। अच्छा इतने भोले के भक्त थे उसकी कोई बात ही नहीं। वो राम भगवान को भी इतना मानते थे। हाँ, राम भगवान भी भोले का ही अवतार है। हाँ वो तो है, क्योंकि रामायण के अंदर जितने भी करेक्टर हैं, या प्रभु श्री राम को ले लो, या विभीषण जी को ले लो, या कुंभकर्ण जी को ले लो, रावण जितने भी थे उसके अंदर करेक्टर, वो हर करेक्टर थे उनके करेक्टर उनके ऊपर सूट तो करते ही थे। उसके बाद वो रियल लाइफ में प्रभु श्री राम और भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसा था। क्योंकि हम गए थे अभी कुंभकर्ण जी के घर पे, वहाँ भी ऐसा ही पता चला कि वो हमेशा मतलब जब भी गांव आते थे तो एक मंदिर है वहाँ पे, श्री भोलेनाथ का मंदिर है, उनके मंदिर में वो अवश्य ही पूजा करने सोमवार को हमेशा आया करते थे, ऐसा था। वैसे ही हमारे बाजू का ही गांव में वो जो रावण में बने थे ना, उपेंद्र भाई, वो भी हमारे बाजू के ही गांव के हैं। अच्छा। हाँ वो भी यहाँ कभी कभी यहाँ आते थे, उनको साथ में मिलते थे। अच्छा वो भी ब्राह्मण थे? वो भी ब्राह्मण। हाँ शुद्ध ब्राह्मण थे। अच्छा अभी यहाँ से जाके सीधे उनके ही घर पे जाना है? अच्छा यहाँ से बाजू में ही है, 2 किलोमीटर ही आगे है। हाँ, आपको कुछ भी मिल जाएगा सर, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा जो उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई थी कहाँ? नहीं पढ़ाई लिखाई बॉम्बे में हुई थी। अच्छा लेकिन वो वेकेशन में आते थे। अच्छा वेकेशन, उनको तो बिजनेस वाले थे, कभी भी इच्छा हो जाए आ जाते थे। और वैसे शिवरात्रि पे तो सभी ब्राह्मीण बड़ोली गांव के 250-300 मकान है, वो सभी आदमी आ जाते थे यहाँ। अच्छा सब परिवार आ जाते। मुकेश जी के बड़े पापा थे ना, उस जमाने में वहाँ उनको प्रेस था। अच्छा बॉम्बे में। अच्छा अखबार निकालते थे वो, प्रेस था उनका। अच्छा अच्छा तो वही सब लोग रहते थे पहले। अच्छा और उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसी घर में हुआ था? नहीं 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 सब बॉम्बे, वो तो बॉम्बे में सभी, वो तीन भाई थे, तीनों भाई का जन्म बॉम्बे में हुआ था। अच्छा तीन भाई क्या क्या नाम थे उनके? मुकेश भाई बड़ा था, उसके बाद चंद्रेश भाई था और उसके बाद देवेश भाई था। अच्छा तीन भाई जी। तो ये घर अभी ऐसे ही रहता है, यहाँ पे अब नहीं आते हैं? नहीं आते, नहीं उनके बच्चे लोग आते हैं कभी कभी। कभी कभी उनके बच्चे लोग हैं वो आते हैं, वो आके एक दिन रह के चले जाते हैं। अच्छा उनके बीवी बच्चे? बीवी भी तो बच्चे बच्चे सब होंगे ना? है बीवी भी है बच्चे भी है। अच्छा वो भी एक्टिंग ही करते हैं? एक्टिंग ही करते हैं। दो लड़की है विप्रा और आर्या लावल और विप्रा रावल। अच्छा वो भी क्या फिल्म इंडस्ट्री में है? अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। कौन सा सीरियल? शक्ति। शक्ति अच्छा अच्छा। हाँ 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 चाची जी का रोल किया था। अच्छा चाची जी का? हाँ वो विप्रा आर्या रावल है। अच्छा अच्छा मुकेश भाई की लड़की थी। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ जानकारी उनके बारे में देना चाहेंगे कि जो उन्होंने किरदार निभाया था रामायण के अंदर वो आपको कैसा लगा था? बहुत ही बढ़िया लगा था, बहुत ही बढ़िया। हमारी पहचान हो गई है। अच्छा हमारी पहचान हो गई है, मुकेश भाई के घर के बाजू में ही रहते हैं। अच्छा इसी घर में रहते? उसी घर में रहते। अच्छा 7 साल रहे। अच्छा और गर्व होता होगा कि? हाँ गर्व, आज भी हम गर्व कर रहे हैं कि मुकेश भाई के बाजू में हम रहते हैं, मुकेश भाई के गांव के हैं हम। अच्छा हाँ सही बात है, सबको बोलते। और उपेंद्र भाई का भी बोलते हैं, उपेंद्र भाई के बाजू के गांव के हम। अगर कभी यहाँ आपके गांव के अंदर रामायण वगैरह चलती है तो फिर कैसा माहौल होता है? क्योंकि जो वहाँ पे दुकान वाले अंकल है ना, उन्होंने बोला कि यहाँ रामायण वगैरह चलती है तो हर लोग अपना काम वाम छोड़ के सीधा देखने लगते हैं, कभी भी टीवी पे आते हैं। साल में एक तो रामायण होती है, उत्तयन होती है हमारे गांव में। वो जो भी करते हैं वो ग्रामीण लोग ही करवाते हैं। वो जो रामायण का जो आयोजन करते हैं वो ग्रामीण लोग ही करते हैं। अच्छा यहाँ पे रामायण का आयोजन होता है? होता है होता है। अच्छा होता है, संत लोग आते हैं और 9 दिन तक चलता है। 9 दिन तक? 9 दिन तक सबको खाना पीना नाश्ता सब मिलता है। अच्छा बाहर से भी, बॉम्बे से भी लोग आते हैं सुनने के लिए, और यहाँ के आजू बाजू के गाँव के लोग भी आते हैं। वो उनको खाने का पीने का आराम करने का सभी सुविधा यहाँ होती है। अच्छा हमारा गांव बोलेगा तो दुनिया में फर्स्ट नंबर का गांव है हमारा गांव। वो तो हमने देखा, ऐसा गांव कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ वो तो है, इतने जगह हम घूम के आए लेकिन ऐसा गांव नहीं देखा, नहीं मिलेगा। इतना अच्छा और इतना शांत माहौल, और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जितने लोगों से कुछ भी पूछो ना, अगर जो पता होगा ना तो आपको बिल्कुल सही बताएंगे, सही बताएंगे। अगर नहीं पता होगा तो सीधा बोलेंगे कि भैया हमें नहीं पता है। गलत बात यहाँ कोई करेगा? गलत बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि आज समझ लो मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे, कोई ये नहीं करेगा। यहाँ के लोग बोलेगा तो बहुत ही अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हों
तो हमारे उत्तर गुजरात में, और उसमें भी इडर तालुका में, और इडर तालुका का जो पश्चिम भाग बोलते हैं हमारा, वो बहुत सुखी एरिया है। हमारे यहाँ इतना खेती होता है जी। सावली है, काड़ीमा जो डूंगरपुर है, जो पहले पावागढ़ में जो युद्ध हुआ था ना, तो उस तरफ जो उनका सैनिक था, जो सेनापति, वो माताली का दीवा लेके पूरा अंदर से यहाँ पर आया था। अच्छा, मंदिर बना है। अच्छा, अंडरग्राउंड आकर बनाया हुआ पावागढ़ से महाकाली तक, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है, अच्छा, वहाँ तक डूंगर है। अच्छा, उसके बाजू में डैम बनाया हुआ है पानी का, उसको बोलते हैं गुहाई डैम। अच्छा, उसके बाजू में महाकाली माँ का मंदिर है, वो भी देखने लायक है। अच्छा, ये बताइए, जब जैसे ही गांव के अंदर एंटर करते हैं, जो वहाँ पे गांधी चौक है, वहाँ गांधी की जो फोटो वगैरह लगी, उसका क्या राज है? वो गांधी जी थे ना, हाँ। जब क्या बोलते हैं वो, जब निकले थे ना, हाँ हाँ, अपना अंग्रेजों से आजादी मिलाने के लिए, हाँ हाँ, तभी वो आए थे यहाँ। अच्छा, हमारा मुकेश भाई जो है ना, हाँ हाँ, उसके फादर थे, सरपंच थे उस जमाने में। अच्छा अच्छा, गांव के मुखिया थे। अच्छा, उनके जो मुकेश भाई के बड़े पापा, अच्छा, सरपंच थे गांव के। हाँ, सरपंच थे, हाँ, गांव के मुखिया थे। अच्छा अच्छा, तो उनको मिलने आए थे, फिर मिलके सभी चर्चा किया, और उसके जाने के बाद में वो गांधी जी का, इतने में 5 फुट का मूर्ति कहीं भी नहीं है गांधी जी का। अच्छा, यहाँ हमारे गांव में 5 फुट का मूर्ति बनाया हुआ है। अच्छा, गांधी जी इस घर के अंदर आए थे उनसे मिलने के लिए? अच्छा, उस जमाने में इस घर के अंदर आए थे, बैठक की थी और वहाँ पे मीटिंग किया था। वो जो है ना गांधी चौक बोलते हैं हम लोग, गांधी चौक बोलते हैं उसको, वहाँ पे मीटिंग की थी। अच्छा, वहाँ पे मीटिंग की थी, और वही जगह उस दिन चूज की थी, यही बनाएंगे गांधी जी का मूर्ति, वही बनाया मूर्ति हुआ है सालों से। गांधी मंदिर। अच्छा अच्छा, गांधी जयंती के दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, हमारा ध्वजवंदन भी वही होता है। अच्छा, 15 अगस्त और 26 जनवरी को वही होता है ध्वजवंदन। अच्छा अंकल, ये बताओ कि इस घर की उम्र कितनी होगी? ये 100 साल पुराना होगा, 150 साल। 150 साल, 150 साल होगा। अच्छा, ये जो इधर भी बने, ये भी शायद ऐसे, ये सभी ब्राह्मण लोग आस है, सभी पुराना है, 100-150 साल के पहले का ही। अच्छा, पूरा। अभी इसका देखो तो जो ईट बोलते हैं ना, हाँ, पहले पाटला ईट बोलते थे। अच्छा, 1.5 फीट x 1.5 फीट की आती है, हाँ, वैसी ईट का बना हुआ है सब, पूरा पूरा चूने में चलता है। अच्छा, हाँ, सीमेंट का शॉर्टेज था उस टाइम में, तो हम लोग यहाँ पे चूने में काम चलता था। अच्छा, जो ऊपर का प्लास्टर किया है ना, हाँ, वही सीमेंट का, बाकी जो ईट से मकान दीवार बनाते हैं चूने का, वो चूने का। हाँ, चूना तो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, चूना और रेती दोनों का, क्योंकि आज भी ये वैसे के वैसे, और अभी अभी लग रहा है कि 40-50 साल ऐसे ही खड़े रहेंगे। खड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, 100 साल तक कुछ नहीं होगा उसको। तो चलो अंकल, चलते हैं अंदर, थोड़े से अपने व्यूअर्स को घर दिखा देते हैं। मुकेश रावल जी का घर आप देख सकते हैं, घर 100 से 150 साल पुराना है, लेकिन आज भी कंडीशन अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं, यही पूरा घर है। और तो अभी चलते हैं, देख सकते हैं, हाँ, ये किसका पेड़ है? करेले का पेड़। करेली, है करेली। करेली ना, करेली हमारे यहाँ पे इसको करेला बोलते हैं। हाँ, वही हमें, हम लोग भी करेला बोलते हैं। और ये देख सकते हैं, ये भी करेला, और ये सब पेड़ हरे भरे हैं, काफी ज्यादा हरा भरा है। तो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको अच्छे से घर दिखाते हैं, और देख सकते हैं ये चारों तरफ का नज़ारा, छोटा सा जीना है, और ये घर का नज़ारा आप देख सकते हैं, इधर सुबह का नज़ारा है। तो अभी हम पूरा छत के ऊपर आ चुके हैं, मुकेश रावल जी का जो घर है उसके छत के ऊपर आ चुके हैं। देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर इधर देखेंगे दूर दूर तक, तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी, और इस साइड जितने भी पुराने घर हैं वो सब देख सकते हैं, और सारे घर एक ही तरफ के बनावट के हैं। आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और जो उनका घर है ये है विभीषण जी का घर, जो कि राम के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसा रामायण के अंदर दिखाया गया है। तो घर देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और काफ़ी पुराना है, अंकल ने बताया 100 से 150 साल पुराना है। दोस्तों देख सकते हैं यही पूरा घर है विभीषण जी का, और अभी मैं टॉप फ्लोर पे, मतलब पूरे ऊपर में खड़ा हूँ ये साइड में, और ये है उनका पूरा घर। गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और सुबह सुबह आए तो अंकल ने चाय वगैरह पिलाई काफ़ी ज़्यादा। यहाँ बहुत ही गांव के अच्छे लोग हैं, और बहुत ही शांत माहौल है, बहुत अच्छा लगा गांव वालों से मिलके। तो
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अंकल ने हमारी काफ़ी मदद की और ये हमको गांधी चौक पे ही मिल गए थे और इन्होंने ही बताया कि आप आ जाओ, मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स में कहाँ पे क्या है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।